नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा के मुद्दे काफी है, पर चर्चा के मुद्दों के बीच में अगर हम बात निकाय चुनाव की करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा है वो चलती रहती है और चर्चाओं का अस्तित्व उस समय खत्म हो जाता है जब एक नेता एक दल की तारीफ करता है और दूसरे दल की बुराई करता है, पर जब वही नेता उसी दल में चला जाता है तो फिर चर्चा अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वही नेता फिर उसी दल की तारीफ करने लगता है जिसको वो छोड़कर गया था और जिसकी तमाम खामियों को उसने बताया था। खैर, दल बदलने की परंपरा हमारे देश में नई नहीं है, पुरानी है, और समय समय पर चुनाव के समय गठबंधन बदलते रहते हैं और दल भी बदलते रहते हैं और नेता भी बदलते रहते हैं। भाई, चुनावी चीज ऐसी है और लोकतंत्र के इस महापर्व में दल बदलने की परंपरा पुरानी है, प्राचीन है, और शायद इसको ही खूबसूरती बोलते लोकतंत्र की। हालांकि ये खूबसूरती नहीं बल्कि ये बदनीयती है। समय अनुसार अपने आप को बदलना वो बात ठीक है, पर समय को देखकर किसी दूसरे दल में चले जाना, जिस दल की आप बुराई कर रहे थे, जिसकी खामियों को उजागर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि यहाँ दल बदलने की जो आपकी मंशा है वो समाज सेवा नहीं बल्कि वो मंशा है केवल अपनी सेवा, यानी अपना स्वार्थ। खैर, यहाँ हम किसी स्वार्थ को और उसकी सेवा को जांचने के लिए नहीं बैठे हैं, हम चर्चा करने बैठे हैं निकाय चुनाव को लेकर। खैर, मुद्दे काफी हैं, पर मुद्दों के भी निकाय चुनाव की चर्चा करना बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर निकाय चुनाव को इस तरह लड़ा जा रहा है जैसे विधानसभा चुनाव हो, जैसे लोकसभा चुनाव हो। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी आज तमाम दौरों पर गए, और अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो बनारस गए, ब्रजेश पाठक की बात करें सहारनपुर गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर, तमाम जगह वो गए और उन्होंने चर्चाएं की, जनसभाएं की, और जनता को विश्वास दिलाया कि आपने जो विश्वास हमको दूसरा कार्यकाल में गद्दी देकर दिखाया है वही विश्वास बनाए रखिए और हम आपके लिए काम करते हैं नजर आएंगे। तो भाई, दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह का जो मामला है वो भी चरम पर है और एफआईआर करने के आदेश वहां पर दे दिए गए हैं, वो मामला अलग चल रहा है। खैर, उस मामले पर तो आने वाले समय में क्या होगा वो वक्त बताएगा, पर चूंकि मामला वो भी अहम है क्योंकि एक बड़े नेता पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, वो भी लगाए हैं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने, लगाए हैं उन खिलाड़ियों ने जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है, चर्चा का विषय है। पर यहां पर अगर निकाय चुनाव की बात करेंगे तो वहां पर चर्चा अहम इसलिए है क्योंकि यहां पर दल बदलने की प्रथा भी लगातार चल रही है और यहां तक यह भी कहा गया है कि बागियों को हम बाहर करेंगे। ये कहना है बीजेपी का, ये कहना है सपा का, ये कहना है बहुजन समाज पार्टी का, और बहुजन समाज पार्टी का कहना तो इतना अहम है कि उन्होंने कानपुर जोन के इंचार्ज को हटा दिया क्योंकि वहां पर उनको प्रत्याशी ही नहीं मिले। अब एक प्रत्याशी ना मिलना स्पष्ट करता है कि बहुजन समाज पार्टी कितने ही बातें करती रहे, कितनी ही चर्चा करती रहे, पर सच्चाई सबके सामने है कि शायद जनता ने कहा उनका विश्वास जो था वो शायद कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। चर्चा अहम है। हमारे साथ मेहमान जो रूबरू करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, नेता सपा से एक लाख अपनी बात रखेंगे, दिलीप श्रीवास्तव विशेष रूप में अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे इमरान लतीफ अपनी बात रखेंगे, और प्रवक्ता रालोद से आरएफ महमूद अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, यहाँ पर चर्चाएं आम चल रही हैं और चर्चाओं के साथ साथ और एक महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि कहा जा रहा है कि बागियों को बाहर करेंगे, और जिस तरह विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव को लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव को की तरह यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इस चुनाव को भी आपने महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 24 का ये पहले का सेमीफाइनल है। क्या राय आपकी? सर, विवेक श्रीवास्तव संपर्क नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मोहम्मद एक लाख भाई, आप के नेता भी लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं, 24 के लिए विपक्षी एकता को मजबूत भी कर रहे हैं, मध्यप्रदेश के दौरे भी कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो ऐसे व्यक्तित्व के हिसाब से काम कर रहे हैं जैसा कि बहुत गंभीरता के हिसाब से काम किया जाता था, पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा रही है वो रही संघर्ष की, बड़े बड़े मुद्दों पर उनके ट्वीट होते हैं, संघर्ष जो होता है सड़क पर नहीं होता है, कुछ संघर्ष को छोड़ दें तो लगभग विधानसभा चुनाव जब 10 मार्च को रिजल्ट आया था 2022 को, उसके बाद से एक साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है सरकार का, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संघर्ष है जनता के मुद्दों पर वो नजर नहीं आता, और अब निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में किस व्यवस्था के साथ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी हर चुनाव को बड़ी मेहनत से लड़ती है, बड़े बड़े नेता भी वहाँ पर सभाएं कर रहे हैं, और फिलहाल ऐसी सभाओं की स्थिति अभी हमको सपा में देखने को नजर नहीं आ रही है, मिल रही है पर उतनी सक्रियता फिलहाल नजर नहीं आ रही, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव भाई, आपका धन्यवाद, प्राइम टीवी का धन्यवाद, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात आज हो रही जी। और बात हो रही थी निकाय चुनाव पे जी, तो निकाय चुनाव देखिए, समाजवादी पार्टी
बूथ स्तरीय तक लड़ रही है जी, एक एक मोहल्ले, एक एक गली और एक एक शहर और एक एक घर लोग तक जाने के काम कर रही है। जो समाजवादी विचारधारा है, जनेश्वर जी की विचारधारा है, लोहिया जी की विचारधारा है और नेता जी की विचारधारा जी, उस विचारधारा पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में शिवपाल सिंह यादव साहब के साथ में चल रही है आगे, और उसी विचारधारा को हम लोग जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और रही बात धरने प्रदर्शन की, तो उत्तर प्रदेश में जो भी मुद्दे हो रहे हैं जी, चाहे छोटे हों चाहे बड़े मुद्दे हों जी, अगर कोई उठाता है सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी ट्वीट के माध्यम से। देखिए मुद्दे उठाते हैं हम लोग, सदन में भी उठाते हैं, आपने भी देखा सदन में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, लगातार मुद्दे उठाए, अखिलेश यादव साहब ने भी उठाया, शिवपाल सिंह यादव साहब ने उठाए और समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उठाए जी। लगातार हम जनता के लिए काम करते आए हैं और करते रहेंगे जी। हम भटकाने का काम नहीं करते, हम आपस में लड़ाने का काम नहीं करते, भाई से भाई को जोड़ने वाली राजनीति हम लोग समाजवादी लोग करते हैं और वो करते रहेंगे। आज देश और प्रदेश में जो हालात हैं जी, चाहे महंगाई को देख लीजिए जी, चाहे बेरोजगारी को देख लीजिए जी, चाहे महिलाओं पे हो रहे उत्पीड़न को देख लीजिए, या किसानों की समस्याओं को देख लीजिए, ये सब हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे इस समय और देश के अंदर हैं जी। और निकाय चुनाव में देखिए, अभी आज एक वीडियो वायरल हुआ, मैंने उस पे देखा जी, कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जी, जिसका काम होता है मुझे लगता है कि अपराधियों को पकड़ना जी, अपराधी अपराध ना कर पाए, ये हमारी पुलिस इतनी मुस्तैद रहती है जी। उसका एग्जाम्पल अभी आपने एक हत्याकांड में भी देखा, उसके बाद अभी देखा मैंने कि समाजवादी पार्टी के पोस्टरों पर पेंट लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस जी, पोस्टर फाड़ रहे हैं जी। तो ये डर देखिए भारतीय जनता पार्टी को साफ है, हर चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया है जी, प्रशासन का दुरुपयोग किया है जी। तो भारतीय जनता पार्टी उसी पे चलती है जी। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव साहब और शिवपाल सिंह यादव साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। अच्छा, ये अपनी नीतियों और अपने कामों को नहीं बताते हैं जनता के बीच क्या किया, बस सपा ने क्या किया क्या नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए क्या बात करेंगे, अभी आप लोग ने भी देखा एक गाना इन्होंने लॉन्च किया था अपने पेज से, अब बताइए व्यक्तिगत, ये कहते हैं कि हम व्यक्तिगत काम नहीं करते हम जनता के लिए काम करते हैं, तो अखिलेश यादव साहब के लिए आप गाना लॉन्च कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, अरे कब तक ऐसे लॉन्च कर दिए, ये तो ये देखिए ये ऐसी राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अच्छा। हम व्यक्तिगत किसी की छवि खराब करने का काम नहीं करते हैं। अच्छा। जो छवि है वो तो जनता के दिलों में है। अच्छा। आप कितना भी झूठ फरेब फैलाइए उससे जनता के दिलों से नहीं निकाल पाएंगे। अखिलेश भाई अभी आपने कहा कि महंगाई, नारी सुरक्षा और तमाम मुद्दे आपने गिनाए, पर इनके लिए संघर्ष करने की जो समाजवादी पार्टी की प्रथा थी, समाजवादी पार्टी का एक आधार था संघर्ष सड़क पर करने का, वो संघर्ष मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए गौरव भाई, संघर्ष गिनारी से मैं समझ जाऊंगा, लगातार हम लोग ने मुद्दे उठाए जी, चाहे ज्ञापन देने का काम हो, मुद्दे उठाए हम लोग ने, लगातार मुद्दे उठाए, मेन विपक्ष में रहकर जो हम लोग कर सकते हैं कि ये बात आपके सही है, और बहुत जल्द हम लोग सड़क पे भी दिखाई देंगे आपको, बहुत मजबूती के साथ दिखाई देंगे, चुनाव से पहले ही दिखाई देंगे, आप परेशान ना होइए। समय कितना लगातार हम लोग, मेरे ख्याल से आपसे तो हमारी पार्टी संघर्ष करती रहती है, आम आदमी पार्टी का स्वागत है, ठीक है, लड़ते रहते हैं भाई, नहीं हम तो हर इंसान का समर्थन करते हैं, हमारा लोकतांत्रिक देश है, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, और हम लोग कोई भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि किसी को भी चुनाव में बैठा दें, किसी के ऊपर ईडी सीबीआई करा दें, तो हम लोग डरने डराने काम नहीं करते, लोकतांत्रिक देश है हमारा, कोई भी पार्टी कोई भी नेता के चुनाव लड़े, हम समाजवादी लोग उनका स्वागत करते हैं, और निकाय चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ठीक है प्रवक्ता, आप इमरान भाई, भाई राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं और एक जो टैग था वो भी मिल चुका है, मजबूती से यहाँ पर लड़ भी रहे हैं, मैं तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि आप लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं, अपवाद चलते रहते हैं, विवाद चलते रहते हैं, तमाम तरह के मामले चलते रहते हैं, वो केवल एक पार्टी नहीं सबके सबके साथ है, पर जो निकाय चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और आपने भी पूरी मजबूती से यहाँ पर चुनाव की तैयारी की है, अगर सत्ता चुनाव की बात करें वहाँ पर भी आपको खासा लाभ मिला था, विधानसभा चुनाव आपके लिए बेहतर नहीं गया, पर चूंकि एक जो जमीन थी जमीन आप लोगों ने तैयार कर ली विधानसभा चुनाव के माध्यम से, कितने आपके समर्थक हैं, निकाय चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर सभी वर्ग अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि ये दल हमारा है और ये दल हमारा है, ये वर्ग हमारा है, इस वर्ग की बात हम करते हैं, ये वर्ग की बात हम करते हैं, ये वर्ग हमें वोट देगा, खैर यहाँ वर्ग को दरकिनार कर दें तो यहाँ केवल और केवल जनता की बात करें, तो जनता के लिए यहाँ पर क्या कुछ करने वाली है आम आदमी पार्टी, क्योंकि निकाय चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और जो निकाय चुनाव बेहतर करेगा उसका लाभ उसको 2024 चुनाव में भी मिलेगा। देखिए गौरव भाई, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है जी, आम आदमी पार्टी जब से वजूद में आई है जी,
तब से उसने सिर्फ मुद्दों की बात की है, काम की बात की है और काम करने की बात की है जी। आम आदमी पार्टी की पहचान यह है कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी जो वादा करती है चुनाव के बाद उससे ज्यादा काम करके दिखाती है। दिल्ली की सरकार की बात करेंगे, पंजाब की सरकार की बात करेंगे तो ये इसके दो बेहतरीन उदाहरण है। चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात करिए, फ्री बिजली की बात करिए, स्कूलों की बात करिए, अस्पतालों की बात करिए, बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराने की बात करिए, पेंशन देने की बात करिए, यानी जितने वादे आम आदमी पार्टी ने किया था उससे कहीं ज्यादा काम करके दिखाया है और एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल बनाया है। और यही कारण है कि इसी गवर्नेंस मॉडल के नाम पर जब हम चुनाव लड़ने के लिए दूसरे राज्यों में गए तो उसमें जो वोट प्रतिशत हमारा मिला उसके दम पर हम राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरे हैं। अच्छा। जहां तक बात उत्तर प्रदेश की रही, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्षों से लगातार एक सशक्त विपक्ष के रूप में, एक व्यवहारिक विपक्ष के रूप में, एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती रही है। जनता ने कभी वोट दिया, कभी नहीं दिया, कभी समर्थन दिया, कभी नहीं दिया, इसकी चिंता आम आदमी पार्टी ने नहीं की। आम आदमी पार्टी ने सतत निरंतर अपना संघर्ष जारी रखा। जहां तक इस नगर निकाय चुनाव की बात है, आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों के साथ चुनाव में आई है। शहरी जनता के जो मुद्दे होते हैं, जैसे आज अगर आप बात करेंगे लखनऊ नगर निगम की ही बात कर लें तो एक तरफ हाउस टैक्स का बोझ लोगों के ऊपर है, वाटर टैक्स का बोझ लोगों के ऊपर है और उसके साथ साथ लखनऊ नगर निगम के अंदर हाउस टैक्स का एक बड़ा घोटाला सामने आया जिसकी अभी तक कोई ढंग की जांच नहीं हुई, ढंग की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने हाउस टैक्स हाफ करने का और वाटर टैक्स माफ करने का वादा किया है। दूसरी बात, आप नगर पंचायत के कार्यालय की बात करें, नगर पालिका परिषद के कार्यालय की बात करें, नगर निगम के कार्यालय की बात करें, अगर आप एक छोटा सा काम लेकर जाए, मसलन आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, प्रमाण पत्र बनवाना हो, कोई दूसरी सुविधा लेनी हो, तो जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे वहां के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, तब तक आपकी फाइल एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। काम होना तो बहुत दूर की बात है। पूरे नगर निकाय के कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी अगर नगर निकाय के अंदर आती है तो जो झाड़ू आज पूरे देश के अंदर चल रहा है वो नगर निकायों के अंदर चलेगा। भ्रष्टाचार को झाड़ू से हम मार भगाने का काम करेंगे। और जो मुद्दे हैं, आप अभी लखनऊ की ही बात कर ले, राजधानी है लखनऊ, पांच इलाकों में जल भराव हो जाता है, उसकी समस्या का जो पानी गिरता होगा ज्यादा, तो अब विवेक श्रीवास्तव जी बताएंगे, लेकिन जल भराव की समस्या तो ही है। अभी आप डेंगू की समस्या की बात करेंगे तो लखनऊ के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां जल भराव होता है, डेंगू से निपट नहीं पाते और ये कहते हैं भैया ये आपका मुकद्दर है, झेलो इसको। ऐसे दिल्ली में कभी होता था, डेंगू माना जाता था कि वहां के लोगों की नियति है, ये नीत है, लेकिन क्या हुआ, आम आदमी पार्टी आई और डेंगू से लड़के डेंगू को भी हरा दिया। तो आम आदमी पार्टी के पास मजबूत इच्छा शक्ति है, नियत है, काम करने का इरादा है, इसको जनता बेहतर ढंग से समझ रही, इसलिए आज हम राष्ट्रीय पार्टी है। और राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ रही है, तो निश्चित रूप से जो हमारा गुड गवर्नेंस का मॉडल है, काम करने का मॉडल है, मुद्दों की राजनीति का मॉडल है, जनता उसे स्वीकार करेगी और इस बार चौंकाने वाले परिणाम आम आदमी पार्टी नगर निकाय में देगी उत्तर प्रदेश के। बाद में पहले प्रवक्ता रालूर को ले लूं। देवे भाई, अभी आप सबका जवाब देंगे, कोई अपडेट जुड़े हैं? अरे भाई, यहां पर महत्वपूर्ण यह भी है कि आप समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हैं और यहां पर पूरी व्यवस्था के साथ, हालांकि बीच में कुछ टकराव जरूर हुआ और मीडिया में चर्चा भी चली, उसके बाद भी समझौता करके व्यवस्थाओं को फिलहाल सुचारू रूप से बनाए हुए हैं। पर निकाय चुनाव बड़ा अहम चुनाव है और यहां पर पश्चिम में आपकी खासी पकड़ है, तो पश्चिम में क्या चमत्कार करने वाले हैं? क्योंकि अभी खतौली जीत सीट जीत कर आपने स्पष्ट कर दिया था कि रालोट को अगर आप हल्के में लेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान सत्ताधारी बीजेपी के लिए बड़ा हो सकता है, कैसे देखते हैं? अरिफ मसूद, निकाय चुनाव ये बहुत ही एक अहम चुनाव है जी, और जो लोग जो ये कहा जाता है कि इसको हम लोग जोड़ करके चल रहे हैं 2024 से जी, तो ये बिल्कुल सही है। 2024 भी हम इसको एक चुनाव का ये संघर्ष हम लोग मान रहे हैं जी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निरंतर हमारे नेता जयंत चौधरी जी हर जगह जा रहे हैं, पार्टी के और भी जो राष्ट्रीय हमारे नेता हैं, जो सारे लोग हैं, हर जगह जहां जहां हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हम लोग लड़ रहे हैं और सारे नेता अपने अपने जगह पर जहां जहां उन लोगों को चुनाव में जाना है, प्रचार प्रसार करना है, वहां पर वो लोग जा रहे हैं और हम लोग बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए, निकाय चुनाव में अगर सही मायने में मैं आपसे ये कहूं तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की ही तैयारी है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि नहीं, अगर हमारी तैयारी है और हम चुनाव लड़ेंगे, तो इनकी तैयारी कहीं नहीं है, तैयारी नहीं है। इन्होंने ना, भारतीय जनता पार्टी की कोई, आप ये बताइए, छह महीने में इन्होंने क्या तैयारी की है? अच्छा,
नहीं नहीं आप बताइए, 6 महीने में वो सारी 6 साल में इन्होंने नगर निकाय के लिए क्या काम इन्होंने किया है। अच्छा। मैंने आपके आपके चैनल पे मैंने एक बार और आवाज उठाई थी कि जल संस्थान में जो भी पानी ये पीने का पाइपलाइन से दिया जाता है, आप किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, वो नालियों से मिला हुआ वो पानी जनता को यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। अगर वो पानी जनता पी ले तो एक बहुत बड़ी महामारी आ जाए। अच्छा। मगर आप ये देखिए कि साल में बजट जल संस्थान पर, जल निगम पर इतना बजट दिया जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं, मगर यहाँ वार्डों में, नगर निकाय में, या और आप और किसी भी शहरों में आप चले जाइए, जल संस्थान द्वारा जो पाइपलाइन से पानी दिया जाता है वो पानी कहीं भी किसी भी जनता को पीने के लिए नसीब नहीं है। अच्छा। अब रहा सवाल, देखिए डेंगू की बात अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी कर रहे थे, आज आप देखिए मच्छर के लिए दवाओं का जो छिड़काव होता था वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका है, गलियां एकदम बिल्कुल, नालियां एकदम बजबजा रही हैं। अच्छा। और जो गलियों में खोदा पड़ा हुआ है वहां पर भी किसी भी तरीके की कोई मरम्मत नहीं। अच्छा। तो 6 साल तो ये नगर निकाय को भूल करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कमियां हैं, काम किया है बहुत कमियां हैं जी। तो आप ये बताइए, अब जब इतनी कमियां हैं और उस पर ये कहते हैं कि नहीं मैं चुनाव जीतूंगा, तो आप कहां से जीतेंगे? महंगाई पर कमियों के लिए क्या जी, विपक्ष कमियों के लिए आवाज कब उठाएगा? विपक्ष अगर आवाज न उठाता तो आज हम कैसे बोलते होते? जब जब आपने चैनल पे बुलाया नहीं, सुन लीजिए, हम लोग रोड पर भी चिल्लाते हैं, रोड पर भी हम लोग करते हैं। अभी शामली में मीटिंग हुई थी, मुजफ्फरनगर में मीटिंग हुई थी, अभी हम हरदोई में भी मीटिंग हुई थी, पीलीभीत में मीटिंग, हर जगह हम लोग आवाज उठा रहे हैं। आप मीटिंग को संघर्ष मानते हैं कि रणनीति मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, संघर्ष देखिए, संघर्ष क्या होता है भाई, हम लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद ये थोड़ी है कि कोई कार्यकर्ताओं की बैठ करके मीटिंग करते हैं। अच्छा। हम लोग सब मीटिंग करके जो भी जन समस्याएं होती है उस पर निकल करके डीएम से मिलना। अच्छा। और उनसे पूरी बात जनता की पहुंचाना वहां तक। अच्छा। सारा ये संघर्ष होता है। अच्छा। अब आप ये कह दीजिए कि नहीं संघर्ष में जा करके सर फुटाउल मेरी उम्र ज्यादा नहीं, पर मैंने संघर्ष लाठियों वाला देखा है। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैंने संघर्ष जेल भरो वाला देखा है। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, पर मैंने संघर्ष पुलिस से लड़ते हुए नेताओं को देखा है, लाठी खाते हुए देखा है, अस्पताल में भरते हुए देखा है। वो संघर्ष विपक्ष का नजर नहीं आता। कोई संघर्ष तो गिना दीजिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपको गौरव भाई अगर मैं कहूंगा तो आपको थोड़ा सा झटका लगेगा। सुना दीजिए कि आजकल आपको आपको विपक्ष का संघर्ष नहीं दिखेगा, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगा आपको। नहीं, मुझे दिखता है, मुझे हमारी पार्टी दिखता है भाई, बोलता रहा हूं, बगल में बैठे हमारी पार्टी। देखिए आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी कर रहे, नहीं नहीं मेरी बात सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी अगर संघर्ष कर रही है तो वो सिर्फ अपने नेताओं पर लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोप के लिए संघर्ष कर रही है। अच्छा। आप कहीं बताइए भारतीय जनता पार्टी, अरे आम आदमी पार्टी जो है क्या ये गली गलियारों में जा करके इन्होंने कोई संघर्ष किया हो? अच्छा। आप बताइए नगर निगम पर अगर इन्होंने कोई प्रदर्शन किया हो, अगर नगर निगम पर प्रदर्शन हुआ है तो राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टियों का हुआ है। अच्छा, ठीक है। और आप बताइए, ये सब सारी चीजें हैं जो सिर्फ बैठ करके डिबेट पर आदमी कह देता है, आवाज उठा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अरे भाई ये बिल्कुल, अरे भाई जो मैंने आपको बातें कही, आपके अपने तथ्य हैं, मेरे अपने तथ्य हैं, जो मुझे नजर आया मैंने अपने ही बात को कहा, आपकी अपनी धारणा है, मेरे अपने विचार हैं, पर चूंकि रालोद और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियां महत्वपूर्ण पार्टियां हैं और इन पार्टियों की पृष्ठभूमि संघर्ष की रही है, और फिर वो संघर्ष जो हम देखते थे, जो हमने देखा है, अखबारों में पढ़ा है, और जब मैं छोटा था तो वो संघर्ष मैं देखता था कि जेल भरो आंदोलन, वो संघर्ष इतना लाठी, और मैंने भिड़ते हुए नेता, अपनी बातों के लिए लड़ते हुए नेता, जनता के लिए जूझते हुए नेता मैंने देखे थे, वो फिलहाल वो संघर्ष हमको नजर नहीं रहा। ऐसे मैंने अपनी बात कही, ये मेरी धारणा है। देखिए नहीं नहीं नहीं, गौरव भाई देखिए, अब वो संघर्ष का दौर चला गया है। अब वो संघर्ष अगर आप ट्वीट पे आ गया, पक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी, जहाँ विपक्ष में है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का आपको नहीं दिखेगा। अच्छा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, चलिए अब मैं आ गया, मैं समझ गया आपकी बात, जमाना है, मैं समझ गया, भारतीय जनता पार्टी ने, समझ गया, भारतीय जनता पार्टी ने, सुनिए पूरी बात होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है धरना प्रदर्शन के लिए ये सारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया इन्होंने। ये सीधे सीधे अगर संघर्ष करो आप चले जाइए तो आप ये ऐसे ऐसे मुकदमे, ऐसे ऐसे केस विपक्ष के ऊपर लाते हैं कि जो अंग्रेजों के जो लंबा अनुभव आपका, इजाजत लेके संघर्ष कब होता है? क्या जी, इजाजत लेके संघर्ष कब होता है? नहीं नहीं, इजाजत लेकर के संघर्ष नहीं होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। मगर संघर्ष
संघर्ष के लिए हम लोग निकलते हैं, अब ना दिखे आपको तो बात दूसरी है। चले ठीक है, पश्चिमी उत्तर चले मान लिया, निकलते हैं। कितना संघर्ष दिया, चले ठीक है आपने किया, ठीक है आप ये देखिए राष्ट्रीय लोक दल ने लेकर के ये किसानों की बेल्ट में किसानों के भुगतान के लिए कितना संघर्ष किया, वो मैंने देखा। आप देखिए सिरे से, आप नहीं नहीं गौरव भाई, सिरे से आप नहीं खारिज कर सकते हैं संघर्ष। अच्छा कि राष्ट्रीय लोक दल संघर्ष नहीं कर रहा है या गठबंधन संघर्ष नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा 22 के बाद के संघर्ष गिना दीजिए मुझे, अब आपने बात कर ली 22 के बाद के संघर्ष गिना दीजिए। 10 मार्च 2022 को परिणाम आया था विधानसभा चुनाव 2022 का, 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी, उसके बाद का संघर्ष गिना दीजिए, अपना भी और आपके सहयोगी दल सपा का भी। सुनने बैठा हूं। नहीं, मुझे आप ये बताइए मुजफ्फरनगर में ये अग्निवीर के लिए माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में संघर्ष हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, और आप बताइए शामली में हमारे सारे विधायकों ने बैठ करके वहाँ कमिश्नर वो क्या कहते हैं डीएम का घेराव किया कि नहीं किया? अच्छा। मेरठ में निकल करके हमारे सारे विधायकों ने वहाँ पर घेराव किया या नहीं किया? जी। बागपत में हम लोग संघर्ष के लिए निकले कि नहीं निकले? अच्छा। आप बताइए बुलंदशहर में हम लोग निकले कि नहीं निकले? अच्छा। अलीगढ़ में हम लोग निकले कि नहीं निकले? एक दो संघर्ष नहीं, अब आपको नदी के संघर्ष में क्या करूं? अब हम आप अब नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट टाइम पर अगर आप मुझे डिबेट पर बुला लीजिएगा तो मैं उन संघर्षों की सारी कॉपी ला करके आपको दे दूंगा कि कहां कहां रहा, क्या क्या रहा, मैं आपको डेट वाइज दे दूंगा। कितने संघर्ष हाईलाइट हुए अरे भाई, जनता ने कितना नोटिस किया? नहीं नहीं सुनिए, हाईलाइट तो गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया आप करेंगे नहीं, हम तो गोदी मीडिया बोलेंगे, ये बात तो गलत है। नहीं नहीं हाईलाइट आप करिए मैं दिखाने आऊंगा आप करिए, तो आप गोदी मीडिया मत बोलिए, गलत बात। अभी तक का तो आप मीडिया कवरेज करना बंद कर दीजिए, फिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं मीडिया को, बुलाना बंद कर दीजिए। नहीं नहीं सुनिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी संघर्ष रहा है, एबीपी गंगा वहां पर गई थी मगर मुझे और कोई भी चैनल वहां पे नहीं दिखा। हमारी भी शिकायत है, विवेक श्रीवास्तव बोले। विवेक भाई बड़ा दर्द है अरे भाई को, आप लोग काम वाम नहीं करा रहे, बहुत कमियां है और इस बार आपको विपक्ष छोड़ेगा नहीं और तैयारी आपके बिल्कुल नहीं है, इस बार आप हार रहे हैं। ये अरे भाई का कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, स्पष्ट कर दिया है कि नालियां बजबजा रही है, रोडें खराब है, गंदा पानी पिला रहे हैं, 6 साल से आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और जनता इस बार नकारने वाली, जवाब दे दीजिए। इन्होंने बता दिया है आपका, लखनऊ के नगर निगम में तो उसको जहां तक मेरी याददाश्त है डॉक्टर सतीश राय जी के समय से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। अच्छा। और आगे भी लहराता रहेगा। अच्छा। जिस स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं, डीप सीवर और उसके साथ साथ हर घर जल योजना, शहर तो शहर सुदूर ग्रामीण अंचल तक में पानी की पाइपलाइनें पड़ रही है, गैस की पाइपलाइनें पड़ रही है, और पिछले हमारे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के नगर पालिका में पड़ने वाले शहरों ने जी पहली बार सुबह और शाम दोनों जी पहर झाड़ू रखते देखा। जिस तरह से हमने कूड़ा निष्पादन की व्यवस्था की जी, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा जी, और जिस तरह से जी उसके निस्तारण की व्यवस्था की गई जी, बाजारों को साफ चकाचक किया गया, ये सारी चीजें हमारे भारतीय जनता पार्टी के गुणवर्क में है। अच्छा, और गड्ढा मुक्ति अभियान, देखिए गड्ढा मुक्ति अभियान बता दीजिए, गुणवर्क है कि नहीं है? देखिए गड्ढा मुक्ति अभियान बिल्कुल है, वो बिल्कुल गड्ढा मुक्त करके की गई है। अच्छा, देखिये जहाँ कहीं जल भरा होगा वहाँ थोड़ी बहुत टूटने की शिकायतें आती है, इतने बड़े पैमाने पे निर्माण कार्य चल रहा है, इतने हैवी सीवर कार्य चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी को एक दिन में नहीं बनती होगी। अच्छा। जब निर्माण होगा तो थोड़ी बहुत सुविधा लोगों को होगी। अच्छा। लेकिन उसके बाद का सुखद अनुभव भी उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है। अच्छा। लखनऊ में बात कर लीजिए, औरंगाबाद रेलवे लाइन पे ओवरब्रिज बना, सालों हम लोग परेशान रहे, घूम के आते जाते रहे जी, लेकिन जब आज ओवर ब्रिज चालू हो गया। अच्छा जा। तो उसका सुखद अनुभव भी सबको प्राप्त हो रहा है। कल सपा प्रमुख ने ट्वीट किया है, एक रोड दिखाई उन्होंने और कहा है कि हमारी सरकार में जो एक्सप्रेस वे बनते थे उन पर हवाई जहाज उतर जाते थे और गाड़ियां चलती है, वो खुद गया है नीचे, उन्होंने फोटो भी शेयर की है, आपने देखी होगी, सारे वरिष्ठ नेता है आप, तो ये कैसे रोड बन गया? गौरव जी, इस तरह की बातें सपा प्रमुख कर सकते हैं। अच्छा,
और जब वो करते हुए भूल जाते हैं अच्छा कि जिस आगरा एक्सप्रेसवे के नाम पे वो ढोल पीटते रह सकते उसी आगरा एक्सप्रेसवे पे उद्घाटन से लौटते समय उसी के सीईओ नवनीत सागर जी का एक्सीडेंट हो गया था अच्छा एक गड्ढे में अच्छा महीनों एडमिट रहे बड़ी मुश्किल से जान बची अच्छा तो सड़कें हैं सड़कों पे इस तरह की घटनाएं होती रहती है अच्छा उनको रिमूव करने के लिए घटनाओं में गड्ढों में अंतर होता है भाई अब इस बात को मत घुमाइए गड्ढों में अंतर होता है नहीं वो गड्ढे भी गए थे मैं फोटो भेज दूंगा देख लीजिएगा आप गड्ढा है साहब भी गड्ढे में गए थे जी जी और देखिए जी होता क्या है जी ऐसे तमाम कवियों के लिए कॉन्ट्रेक्टर की सिक्योरिटी 2 साल 5 साल तक के लिए रोकी जाती है जिससे ऐसी कोई अगर समस्या है तो उसको रिमूव किया जा सके अच्छा ये प्रोसेस है अच्छा ठीक है निर्माण होगा तो उसमें कमियां भी होंगी कमियां होंगी तो उसमें सुधार भी होगा भाई हाँ इमरान लतीफ बोल रहे थे कि उन्होंने डेंगू खत्म कर दिया दिल्ली से और उत्तर प्रदेश में आके डेंगू खत्म कर दे क्योंकि आपकी बस की नहीं है आप दवा छिड़का रहे हैं खत्म कर मैं तो सुन रहा था अरे गौरव भाई वो झाड़ू लगाने के लिए बेताब है जी थोड़ी झाड़ू पर्दों के पीछे भी लगा देते जो 8 लाख के पर्दे आए अच्छा उन 8 लाख के पर्दों के पीछे झाड़ू लगा देते अब वहाँ कौन सी झाड़ू लगेगी हो सकता है झाड़ू भी वहाँ 8 लाख की आए अरे एक फकीर है जो 500 करोड़ में बंगला ठीक कराता है विवेक भाई लतीफ साहब किससे अरे विवेक भाई 500 करोड़ में एक फकीर अपना बंगला ठीक कराता है भैया 8,400 करोड़ के जहाज में एक फकीर चलता है कौन सा फकीर है बता दीजिए 8 लाख अरे 8 लाख के पर्दे की तो बात कर लेंगे 500 करोड़ में अपने बंगले की मरम्मत कराई है फकीर ने और 8,400 करोड़ के जहाज में चल रहा है फकीर 1,300 करोड़ रुपए विदेशी यात्राओं में मस्ती में खर्च कर दिया फकीर ने बोलने का मौका मिलेगा बोले 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 फिर बोल लेंगे मैं फिर जवाब दे दूंगा इनकी बात का ठीक है बोल दीजिए बोलिए जल्दी बोलिए गौरव जी जी एक झाड़ू खरीद लेते जी उन 8 लाख के पर्दों के पीछे लगाते जी उस 45 करोड़ के बगले में लगाते जी ये मेरी प्रश्न का उत्तर नहीं है जी ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बगले पे बात कर रहे हैं जी उनके हवाई जहाज पे बात कर रहे हैं जी हमने तो कभी बच्चों की कसम नहीं खाई थी जी कि कोई सुविधा नहीं लेंगे जी गाड़ी नहीं लेंगे जी बंगला नहीं लेंगे सुरक्षा नहीं लेंगे वो एफिडेविट मेरे पास आज भी है वो एफिडेविट मेरे पास आज भी है ये कसम खा करके कसम तोड़ने वाले अच्छा जनता के साथ धोखा करने वाले गौरव भाई इसके फौरन बाद समय चाहिए चंदा लेकर निकलने वाले मसाज पार्लर तक पहुंचने वाले ये कट्टर ईमानदार बताने वाले कट्टर भ्रष्टाचार करने वाले कट्टर भ्रष्ट लोग क्या बताना चाहते हैं देश को अच्छा जी निकाय चुनाव में आ रहे हैं क्या जीत के आ रहे हैं बोल रहे हैं दिल्ली में सरकार है भाई आपके बड़े नेताओं के बीच में तीसरी बार सरकार बना के बैठे केजरीवाल देखिए गुजरात में 13% वोट ले आए पंजाब में सरकार बना दी और ऐसी सरकार बनाई है स्पष्ट बहुमत के साथ बड़ी बात है गौरव जी जी गुजरात में तो सरकार बना रहे थे जी पर्चा मीडिया को जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने लिख के दिया था जी कुछ मीडिया मित्रों के पास आज भी विद्यमान होगा हिमाचल में भी गए थे लड़ने बैक मार गए जी गुजरात में कंसोलेशन प्राइस से समझौता करना पड़ा अच्छा पंजाब की सरकार का हवाला देते हैं जी पंजाब में हम लीडिंग पार्टनर नहीं थे अच्छा दिल्ली में हमारा एमसीडी में सुपड़ा साहब बता रहे थे जी दिल्ली में इनकी क्या दशा है जी अच्छा सारी चीजें जनता के सामने कर दी 15 साल बाद बैठ गए एमसीडी पे भाई ये कम थोड़ी निकाय चुनाव पर मेरा एक सवाल है अभी लेता हूं भाई अभी लेता हूं आपकी बात दिल्ली और उत्तर प्रदेश जी दोनों की जमीनों में बड़ा अंतर है जी अच्छा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है जी वो हर गली मोहल्ले तक विद्यमान है और हमारे कार्यकर्ता यहाँ हर गली मोहल्ले तक आम आदमी तक पहुंच रखते हैं अच्छा लखनऊ देख लीजिए प्रयागराज देख लीजिए कानपुर देख लीजिए फिर जी तमाम नगरीय निकाय जो नए बने हैं जी जी प्रवक्ता विकास भाई योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विवेक भाई फिर, जी जी आर एन मेमोर क्यों कह रहे थे कि आपकी तैयारी नहीं आप लोग हारने जा रहे हैं कुछ भी कहने का अधिकार है जी हो सकता है ज्योतिषी हो गए हो जी
आजकल समाजवादी पार्टी कार्यालय में कोई ज्योतिषशाला चल रही हो, अच्छा जो खुद लेता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे कि चुनाव के लिए तैयार नहीं है जी। दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है हमने चुनावी मोड में रख दिया, 365 दिन 24 घंटे काम करता, हमेशा चुनाव के लिए खुद बोल दिया चुनाव लड़ने के लिए हमारा तैयार रहता है। ठीक है, अब हमारे साथ ठीक है हो गया। दिलीप भाई बोलेंगे क्या विश्लेषण है आपका, क्या सोच है? देखिए गौरव भाई, ये जो चुनाव है 2024 के लिए आगाज है जी, और यही जो है जो बढ़त होगी जी आगे जो है लोकसभा में जो है उसी पार्टी की जो है दमदारी से जो है पेश होगी। रही बात जो है सड़कों की, बातें जो है हुई, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति भी जो है सड़कों से आंदोलनों से रहा, समाजवादी पार्टी का भी जो है उत्पत्ति जो है आंदोलनों से रहा, जो है नेताजी के समय में जो आंदोलन होता था, माननीय शिवपाल जी के समय जो आंदोलन होता था, और भारतीय जनता पार्टी का भी जो है आंदोलनों से रहा, और आपके आरिफ भाई जो है आपकी पार्टी के जो है माननीय चौधरी चरण सिंह जी जो है ये लोग जो है बड़े जमीनी स्तर के लोग रहे हैं, आंदोलन करके आए। मैं तो यही बोल रहा हूँ, लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो कोई भी पार्टी जी, बसपा में भी जो है ऐसा रहा है, कोई भी पार्टी बसपा सपा आरएलडी जी आपका आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तो कुछ होता ही नहीं क्योंकि सरकार है उनकी, और इन लोगों में कोई जो है सड़क पे आंदोलन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो व्हाट्सएप और जो है फेसबुक ये ट्विटर वगैरह है इन्हीं सब पे जो है ये लोग दिखते हैं, जबकि जरूरत है कि जो है गली मोहल्ले में जाके सड़क पे उतर कर, जो आपने कहा नहीं कि जो है हमने वो दौर देखा, हमने भी वो दौर देखा, लाठियां खाए हैं लोग जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे जो है बीजेपी में हो, चाहे सपा में हो, सब लोगों ने जो है लाठियां खा खा के जो है आज नेता बने हैं जी। आपके जो है अखलाक जी के जो है पार्टी में है जी, आपके जो है ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर के हैं, बीएचयू में जो है मैं पढ़ता था तो जो है वो वहां के महामंत्री रहे, लाठियां खाई है, उनके पूरे शरीर जो है हड्डी एकदम टूटी हुई है जी, और वो व्यक्ति जो है ये लोग जो है आंदोलन से निकले हुए लोग जी। रही बात जो है इस चुनाव में जी, तो बसपा ने जो है एक मुस्लिम कार्ड खेला है, अच्छा जो सबसे ज्यादा मेयर के लिए जो है मुसलमानों को जो है टिकट, तो बसपा को लाभ मिलेगा यहाँ पर, सुने तो आप जी। तो बसपा किन्हीं कारणों से जो है ये नहीं सोचे कि जो है बसपा गायब है, बसपा भी जो है क्षेत्र में है, आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे जो है 10 साल पुरानी पार्टी है और इन्होंने बढ़त लेके जो है जी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी है जी, और यहाँ भी जो है नगर निगम चुनाव में जो है आए हैं तो निश्चित तौर पे जो है कुछ न कुछ करेंगे। मेन लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है लड़ाई है जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़त अगर लेगी तो वो अपने जो है जो तंत्र हैं जी, जो उनके पास जो है जो भी व्यवस्थाएं हैं प्रशासन वाले प्रशासनिक तंत्र हैं, अच्छा उनका उपयोग करते हुए जैसे और जीतेगी वो लेंगी, लेकिन जी समाजवादी पार्टी जो है जी हर बूथ पे जी कांटे का टक्कर में रहेगी, वही जो है जी आम आदमी पार्टी भी जो है अपनी बढ़त के साथ जो है यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में खाता खोलेगी। रही बात जो है साफ सफाई की बात है जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी जो है नगर निगम है जी या जो है नगर पालिका है जी या जो है नगर पंचायत है, मैं इन 2-3 महीनों में देखा हूं जो है वहां की साफ सफाई की व्यवस्था, चूंकि जो है सब खत्म हो चुका था, कार्यकाल खत्म हो चुका था, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है सड़कें अच्छी बना दी, नालियां बना दी, सफाई करवा दिया जी, वहां पे जो है अपना जो है ये जो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह है ये सब छिड़कवा के जो है राजनीतिक लाभ के लिए जो है उन्होंने जो है एक अलग जो है वो दिखाया कि जो है देखिए जो है सफाई हो रही है, सारी चीजें हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, अच्छा तो उनको जो है लाभ होने की स्थिति में है वो। अच्छा जी जी ठीक है ठीक है। इमरान भाई विश्वस्त की बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं इखलाक भाई को लेता हूं। भाई जी अभी इन्होंने तमाम तरह के इल्जाम लगाए आम आदमी पार्टी के ऊपर जी, एक नेता थे जी या है कह लें
जी, इन्होंने कहा था फकीर हूँ झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अच्छा, फकीर हूँ झोला उठाऊंगा चल दूंगा, अच्छा। कहा था ना। अच्छा, जनता से ही तो कहा था, सभा अच्छा। में ही तो कहा था। भाई वो कौन सा ऐसा फकीर है जो अपने घर को सही कराने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। अच्छा, वो फकीर चलने के लिए एक आलीशान जहाज खरीदता है 8,400 करोड़ रुपए का जी, अपनी विदेशी यात्राओं पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। घूमने जाते हैं क्या वो? अरे भाई, अरे यात्रा करते हैं, यात्रा करते हैं, देश के लिए करते हैं, चाइना की यात्रा, वो राजनीतिक यात्रा है, घूमने जाते हैं, पर्सनल घूमने जाते तो है, मैं तो कह रहा हूँ उसी यात्रा खर्च क्यों जोड़ रहे हैं भाई? जोड़ रहे हैं खर्च, पाकिस्तान बिरयानी खाने भी तो उसी जहाज से जाते हैं। अच्छा, चाइना भी तो घूमने उसी यात्रा से जाते हैं, फिर उसके बाद होता क्या है कि कहां तक घुस के चला आता है चाइना, तो विदेश नीति पे बात होगी किसी और दिन। यहाँ लग्जरी की बात हो रही थी, एक फकीर 500 करोड़ में अपना जो है बंगला ठीक कराता है, बनवाता नहीं है। अच्छा, तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार पर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्ञान देंगे तो ऐसे ही लगता है जैसे डाकू गब्बर सिंह जो है वो शांति पर अहिंसा पर उपदेश दे रहा हो, क्योंकि ये वो पार्टी है, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, रक्षा सौदे की दलाली करते हुए। ये वो पार्टी है जो ईडी और सीबीआई के जरिए देश के तमाम विपक्षी भ्रष्टाचारियों नेताओं पर चाबुक लगाती है और उनको ईडी सीबीआई की मशीन में धुल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेती है, वो साफ कर लेती है। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे जी, अभी सतपाल मलिक जी तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं जी, उन सवालों पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है। पुलवामा पर चर्चा ना हो, सतपाल मलिक जी के सवालों पर चर्चा ना हो, जो शहीदों के सवाल थे वीडियो के जरिए जो सामने आए उन पर चर्चा ना हो, इसलिए एक फर्जी का मुकदमा लाकर, फर्जी का मामला अरविंद केजरीवाल के बंगलों को लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है। अब रही बात नगर निकाय का चुनाव, बड़ा अभी ऐसे ही हंस रहे थे, इनकी हंसी पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, इनके नेता को अधिकार है कि सदन के अंदर किसी की हंसी पर टिप्पणी करें, हंसने का हक सबको है। लेकिन यही हंसी थी जब एमसीडी का चुनाव था, 15 साल तक काबिज थे, यही हंसी थी जब आम आदमी पार्टी वजूद के अंदर आई थी और दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे, तो इनकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने कहा था अगर 3 विधायक जीत कर आएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन पहली बार में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाकर मुंह पर वो जोरदार तमाचा भारतीय जनता पार्टी के मारा था कि आज तक मुंह सही नहीं हो पा रहा है दिल्ली के अंदर, टेढ़ा का टेढ़ा हो गया है। तो अगर ये जो अहंकार वाली हंसी है इसका जवाब हमने दिल्ली के अंदर भी दिया, एमसीडी के चुनाव के अंदर भी दिया, पंजाब के चुनाव के अंदर भी दिया और उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के अंदर भी देंगे। मैं जो बात भ्रष्टाचार की कर रहा था गौरव भाई 30 सेकंड और, भ्रष्टाचार पर जो नगर निकाय के मैं बात कर रहा था, ये इमरान लतीफ नहीं बोल रहे हैं, ये इनकी पार्टी के मंत्रियों ने बाकायदा लेटर लिखा है, जीएस धर्मेश साहब ने लेटर लिखा, उदयभान चौधरी साहब ने लेटर लिखा, अपने ही कार्यकाल में अपने ही सरकार के नगर निगम के घोटाले को उजागर करने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। यही लोग बता रहे हैं कि यहां पर भ्रष्टाचार है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो तो रिश्वत देनी पड़ती है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो तो रिश्वत देनी है, ठेकेदारों को रिश्वत देनी, तब तक काम नहीं होगा। तो ये बात हम थोड़ी भाई, आप कुछ बहुत समय से उंगली उठा रहे थे गौरव भाई जी, अभी हमारे विवेक भाई कह रहे थे कि रोडों की बात कर रहे थे जी, तो शायद मुझे लगता है ये अपने ही विधायकों की बात नहीं सुनते, इनकी ही विधायिका है जिन्होंने कहा था कि रोड पे इतने गड्ढे हो गए कि मेरी कमर टूट गई है जी, और जो रोडे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने अपने मंत्री कार्यकाल ने बनाई थी जी, उसका गड्ढा तक अभी तक नहीं बढ़ पाए। अच्छा, जिसका कल आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने ट्वीट किया था, आपने भी देखा, वो मुद्दा उठाया, इन्होंने मुद्दे को घुमा दिया, इन्होंने बात करी आगरा एक्सप्रेस वे की जी, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी अभी भी लोगों को याद होगा उद्घाटन करने के बाद ही बैठ गया था कई जगहों पे जी, तो भ्रष्टाचार किस तरीके से है ये हम भी जानते हैं, विवेक भाई भी जानते हैं जी, और रोडों की बात तो ये ना करें जी, गड्ढो भरने की बात तो ये ना करें जी, जो भाई भाई के दिल होता है उनको बांटने का काम करते हैं। अच्छा, तो ये गड्ढे भरने की बात क्या करेंगे, और उन्होंने बात कही दिया नहीं, ये तो भाई भाई में लड़ा देते, किसका दिल बांट दिया, हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुसलमान जो हमारे भाई हैं एक थाली में खाते हैं उसको बांटने का राजनीतिक काम करते हैं। अच्छा, उन्होंने तो अभी खुद कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल चुनाव लड़ने की मूड में रहती है, तो सत्ता में क्या बैठे हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए? अरे आप सत्ता में बैठे हैं, आप जनता के काम के लिए बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ जनता के कामों के लिए बात करती है? इन्होंने तो सीधा कहा कि हम चुनाव के मूड में रहते हैं, चाहे वो किसी की लाश पे लड़के चुनाव जीता जाए, चाहे पुलवामा के मैं सैनिक जो शहीद हुए हैं उनकी लाशों पे चुनाव जीता जाए, चाहे किसान जो आत्महत्या कर लेते हैं उन पे
चढ़ा के गाड़ी चुनाव जीते जाए, भारतीय जनता पार्टी को केवल चुनाव लड़ने से मतलब है। इन्होंने बात कही कि हमने स्मार्ट सिटी बनाया, कौन सी स्मार्ट सिटी बनाया भाई आपने? अभी G20 सम्मेलन हुआ था, उसमें जो गेस्ट आए थे तो जो भी काम दिखा देने, अखिलेश यादव साहब के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो हुआ वो दिखा, जिस रोड से आप उनको लेके आए एयरपोर्ट से, वो समाजवादियों की बनाई हुई है, जहां आप ले जा रहे हो काम समाजवादियों का है, और आप कहते हैं हमने घर तक, घर में रसोई पहुंचाई, हमने घर में पाइपलाइन भेजाई, अरे घर तक तो GST दूध दही पे भी आपने पहुंचाया, जो सिलेंडर 400 था, 100 का था, उसको 1200 तक भी आप ही लोग ने घर तक पहुंचाया है। तो इस पे भी बात कर लें विवेक भाई, ना कि इन सब चीजों और मुद्दों से भटकाने काम करें। और लगातार अभी नहर की भी आप लोगों ने देखा था कि जब सूखा था खेतों में पानी देना चाह लिया था तो उस नहर का पानी रोक दिया था, यानी शिवपाल साहब, सिंह यादव साहब ने भी उसको इन लोग को बताया। ये लोग केवल बहकाने का काम करते हैं, और नगर निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारने जा रही है, आप देखिए। ठीक है, अरे महमूद, अरे जी कुछ आप पूछना चाह रहे थे विवेक श्रीवास्तव से, पूछ रही। गौरव भाई, मेरा सिर्फ ये कहना था कि देखिए आपने निकाय चुनाव पर डिबेट बुलाई है तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। केंद्र सरकार की अडानी से लेकर के उत्तर प्रदेश सहित कर्नाटक में 40% का भ्रष्टाचार पूरे देश और पूरी दुनिया ने देख लिया। अब हम भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे, निकाय चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 6 साल इन्होंने निकाय के मामले पर कोई भी काम किया है तो अब की इतवार को सारे चैनल को बुला लें जी, हमारे विवेक भाई और राष्ट्रीय लोक दल के हम सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाएं लीजिए, और नगर निगम पर इकट्ठा होकर के जो ये पीने का पानी की जो सप्लाई कर रहे हैं ये नल के द्वारा, वो पानी वो भी एक बोतल में ले आवे और हम भी एक बोतल में ले आवे, और वही सारी मीडिया के सामने वो पानी पी ले तो हम जाने के हाँ 6 साल इन्होंने कोई काम किया है। लीजिए चुनौती दे रही, वरना अभी तो 6 साल में कुछ ही नहीं कर पाए, अभी तो 6 साल का जी। गौरव भाई जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का जी जी। क्या पिंपी का शोरबा, अच्छा आरएलडी किस तरह की बात कर रही है जी, पूरे उत्तर प्रदेश में मुझको नहीं लगता। अहंकार अहंकार जो है 13 मई को आपका जा रहा है, पिद्दी का पिद्दी पिद्दी शुरुआत की बात ना करो, आज आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, सत्ता पक्ष का कोई ऐसा चेहरा नहीं है, सुनिए सत्ता पक्ष का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो विपक्ष के सामने ला सके, आज आपके पास कोई चेहरा नहीं है, जितने चेहरे हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं आप लोग, जितने चेहरे हैं आप सब उड़ाऊ डकाऊ बात करते रहते हैं, आप लोग नौजवानों से रोजगार छीन लिया, गरीबों से महंगाई लाती है उनके ऊपर, आप सिलेंडर का दाम देख लीजिए, आप सिलेंडर लेकर के क्यों नहीं आते निकलते सड़क पर, बताइए आपके भारतीय जनता पार्टी ने 1200 रुपए में कर दिया, कम है तो निकल करके आइए, उसको छुपाते क्यों हैं आप? कहीं भी नगर निगम के मैदान में प्लेयर की हैसियत से भी नहीं है जी, अच्छा, और आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते चल रहे हैं जी। गुरूर नहीं किया जाए विवेक भाई, इतना गुरूर अच्छा नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल को आप कहें कि आप है, वहां तक है ही नहीं, मेरे समझ में नहीं, आप भी नहीं थे जब आपके पास 2 सीटें थी, अब आज देश की सत्ता आपके पास है, तो वो गुरूर और घमंड नहीं होना चाहिए सत्ता का, वो गुरूर और घमंड नहीं होना चाहिए सत्ता का, वास्तविकता ज्ञान करा रहा हूं, वो इस तरह की भाषा का तो ना प्रयोग करे। खैर आप पूछ लीजिए, अगर ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अरे पानी पिएंगे नहीं पिएंगे विवेक श्रीवास्तव जी, आप पानी पिएंगे नहीं पिएंगे रविवार को, आप नगर के सामने पिएंगे नहीं पिएंगे? पी रहे हैं, पीते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पानी पीते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ भी देख के पानी पी रहे हैं जी। तो बात ये नहीं है, बात हम इनको वास्तविकता के धरातल पर हकीकत बताना चाह रहे हैं जी। ये लोग ऐसी कमरे और ट्वीट वाली पार्टी चला रहे हैं, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जमीनी हकीकत से इनको रूबरू कराने का काम कर रही है, खुशफहमी में न जिए। हाँ, हम आप लोग किसानों को कुचलने वाले लोगों से पार्टी चला रहे हैं जी, है आप लोग बलात्कारियों को माला पहना के पार्टी चला रहे हैं जी, आप लोग तो भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में बैठा के पार्टी चला रहे हैं, सवाल तो बहुत उठते हैं आप पे भी, जो वॉशर मशीन आपने रख रखा है बीजेपी कार्यालय के बाहर, कोई भी अपराधी गुंडा माफिया बलात्कारी आए उसमें धुले और भारतीय जनता पार्टी में साफ हो जाए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को माला पहना के मंच में बैठाती है जी, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को मंच में माला बैठा के बैठा, गुजरात का विषय नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है क्या? बता दीजिए, कहा का विषय है? भारतीय जनता
जनता पार्टी का विषय नहीं है। उन्नाव में बलात्कार हो जाता है, उसमें जेल हो गई थी, बेल पे आए उस बच्चियों को मार देते हैं, ये आपकी सरकार में हो रहा है। आपके ही बैनर आपके तथ्य नहीं, मैं हर चीज दूंगा। आपको तो कोई तथ्य लगता नहीं है, आपको तो तथ्य यही लगता है कि बस बीजेपी चुनाव। दरोगा दरोगा पुलिस प्रशासन पोस्टर सपाओं के जो सभासद के प्रत्याशी है उन पे जाके पेंट लगा रहा है, कहिएगा तो वीडियो आपको विवेक भाई भेज दूंगा, आप ट्वीट कर दीजिएगा। पेंट लगा रहा है, पोस्टर फाड़ रहे हैं आपके। इनका कहना है कि प्रत्याशियों के पोस्टर पे उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा पेंट लगा रहे, फाड़ रहे हैं सपा के। तो केवल सपाई के दिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं दिखते हैं जी। इन्होंने बड़ा विकास किया, 5-star होटल बनाए अपने बीजेपी कार्यालय को, उससे ज्यादा कुछ नहीं जी। पोस्टर होल्डिंग लगाए हुए तो पुलिस का काम है हटाना, पुलिस का काम है हटाना। वो कह रहा है काम पुलिस का है, पुलिस का है कि अपराधी को पकड़ने का काम पुलिस का है, कानून व्यवस्था संभालने का काम पुलिस का है। अगर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस आपको नहीं मालूम है, गौरव भाई, चुनाव आयोग की गाइडलाइन केवल समाजवादी पार्टी के लिए। विवेक भाई, भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं की भाई। चुनाव आयोग की आगरा नगर निगम के भ्रष्टाचार पे, लखनऊ नगर निगम का जो हाउस टैक्स का घोटाला है, मोदी अडानी महा घोटाला जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा महा घोटाला है, 8 करोड़ का पर्दा जी, सत्यन जैन का मसाज पार्लर जी, अरे भाई मोदी अडानी महा घोटाला देश ही नहीं दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। मोदी अडानी महा घोटाला जो मोदी जी ने मोदी जी की मदद से अडानी ने 8 फर्जी कंपनियों के जरिए 42,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करे वो किसके थे? क्या वो नरेंद्र मोदी जी के थे? क्या वो किसी आतंकवादी संगठन के थे? बताएंगे ये घोटाला, इस घोटाले में जिसमें मोदी जी का नाम आ रहा है, आप जेपीसी से जांच नहीं करा पा रहे, आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आप जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है मोदी अडानी महा घोटाला, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, अरे येदियुरप्पा जो भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर है उसके साथ गलबहियां करके प्रधानमंत्री घूमते हैं। बंगारू लक्ष्मण जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए। अरे भाई आपको तो शहीदों के ताबूत को नहीं पकता, शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। बताइए शहीदों के, कारगिल के शहीदों के घोटाला करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज बताइए, आज पूंजीपतियों के नौकर बनकर बैठे हैं, पूंजीपतियों के नौकर बनकर बैठे हैं मोदी जी। आज पूछ तो रहा हूँ, मोदी अडानी महा घोटाले की जांच जेपी जांच नहीं करा रहे हैं, पूरे का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम सामने आ रहा है। आप जांच क्यों नहीं करा पा रहे हैं? जांच से भाग क्यों रहे हैं? वो छप्पन इंच सीने वाला प्रधानमंत्री कहां गया? हो गया, हो गया। बात बात पर जांच करवाता था, आज अपने घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही है? ईडी कहां सोई है? सीबीआई कहां सोया है? सेबी कहां सोया है? मोदी अडानी महा घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही है? मोदी अडानी महा घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही है? 2,50,000 करोड़ रुपए जो अडानी के ऊपर बैंकों का लुटाया गया उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, दिलीप यादव, आकंठ भ्रष्टाचार, आकंठ बेईमान, आकंठ चोर, अरे बंगारू पार्टी वाले, येदियुरप्पा की पार्टी वाले, बंगारू लक्ष्मण जैसे भ्रष्टाचारी की पार्टी वाले, येदियुरप्पा की पार्टी वाले, अरे अडानी के गुलामों, भ्रष्टाचारियों, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है मोदी अडानी महा घोटाला। जांच करवा नहीं पा रहे हो, आम आदमी पार्टी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, ईडी सीबीआई का सहारा ले रहे हो। अरे ध्यान रखना, जो हश्र के अंदर हुआ, जो हश्र के अंदर हुआ, वही हश्र पूरे देश के अंदर होगा। दो पार्टियों से चले थे, दो पार्टियों से चले थे, अरे उनके चिन्मयानंद को, चिन्मयानंद का बहुत बड़ा उठाने वाले अरविंद केजरीवाल के बगले में, दिलीप यादव बोलेंगे, विशेषज्ञ जी बोलिए। अरे चिन्मयानंद की पार्टी वाले,
चिल्लाते रहो, सब पे कानून काम किया है यहाँ सब जगह। भाई विवेक भाई, अडानी महाघोटाले पर कानून काम क्यों नहीं कर रहा है? हो गया मोदी, अडानी महाघोटाले पर कानून काम क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, डर रहे हैं जांच कराने से, जेपी से क्यों भाग रहे हैं? अरे दाल में काला इसी नाते भाग रहे, क्यों नहीं जांच करा रहे जेपीसी से? क्यों नहीं जेपीसी से मोदी? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, दिलीप यादव बोलेंगे, दिलीप यादव बोलेंगे। विवेक भाई हो गया, विवेक भाई हो गया, दिलीप यादव। मोदी अडानी महाघोटाला दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बोलेंगे। मोदी अडानी महाघोटाला दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। मोदी अडानी महाघोटाला दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। हो गया हो गया हो गया, दिलीप यादव बोलेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी हो गया, विवेक श्रीवास्तव हो गया हो गया। मोदी अडानी महाघोटाला देश के नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। मोदी अडानी महाघोटाला देश ही नहीं, अरे भाई खराब मत कर, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। मोदी अडानी महाघोटाला, मुझे सब पता है। मोदी अडानी महाघोटाला भाई हो गया, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच कर खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। ठीक है, मोदी अडानी भाई भाई देश हो गया, खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई हो गया, देश बेच के खाई मलाई। दरवाजा बंद कर दिए, दिलीप भाई, दिलीप भाई जी बोलिए। विवेक जी हो गया भाई, विवेक जी हो गया, दिलीप यादव बोलेंगे, बोलिए। देखिए एक बात है कि भ्रष्टाचार की बात जहां तक है, आप दोनों जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो है दोनों प्रवक्ता नेता आपस में लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है वाकई में जो है डर लगने लगा, क्योंकि एक बात बताएं आपको, कांग्रेस से जो है डर का नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने ही जो है आम आदमी पार्टी का जो है सृजन करवाया। अरे विवेक जी सुनिए, आप विवेक जी सुन लीजिए, चोरों को गिरफ्तारी कर, अरे विवेक जी सुन लीजिए, भाई भाई विवेक जी, विवेक जी जो है विवेक जी सुनिए, अरे विवेक जी भाई बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की नंबर वन पार्टी है भाई। विवेक भाई बुलाती है, विवेक भाई सीबीआई बुलाती है, जुलूस लेके जाते हैं। विवेक भाई को डर लगता है, अरे भाई मेरी बात तो सुनो, अपनी भी जांच करा लो। अरे क्यों नहीं जांच करा ले? मोदी अडानी महाघोटाले की जांच क्यों नहीं हो जा रही है? जांच कराने से घबरा क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे? इसीलिए कह रहा हूँ, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, मेरा समय हो गया। हम लाल चौक पे तिरंगा, चले ठीक है, अडानी भाई भाई चले ठीक है, देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई ठीक है, देश बेच के चले ठीक है। आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी और चर्चा थी निकाय चुनाव को लेकर। फिलहाल ये चर्चा भ्रष्टाचार के आरोप तक पहुंच गई, ये चर्चा तमाम तरह के प्रत्यारोप में पहुंच गई, उस चर्चा पहुंच गई बयान पर, और ऐसी ऐसी बातें फिलहाल इस डिबेट में हुई है जो शायद आने वाले समय में एक अलग तरह की परिचर्चा को जन्म देगी। खैर यहाँ चर्चा बनी रहती है, क्योंकि चर्चा करना यहाँ पर डिबेट में जरूरी है, क्योंकि चर्चाओं का परिणाम भी आता है, बेहतर भी आता है खराब भी आता है। अगर चर्चा सकारात्मक होगी तो उसका परिणाम हमेशा बेहतर आएगा। हम जैसे खबरन बीच की जिम्मेदारी है कि समय समय पर चर्चा कराती रहे, पर फिलहाल एक ही बात कहूंगा, निकाय चुनाव में जिस तरह से सभी लोग यहाँ पर एजेंडा बना के काम कर रहे हैं, बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम जनता के लिए हैं, पर एक कहावत है और एक फिल्म का गाना था, ये जनता सब जानती है, ये पब्लिक सब जानती है, अंदर क्या है और बाहर क्या है। फिलहाल
फैसला जनता 13 मई को देने वाली है और जनता किसके पक्ष में आएगा ये भी स्पष्ट हो जाएगा। पर एक बात तो साफ है कि जनता के लिए मेहनत करते जाइए और जनता जनार्दन जानती सब है। जनाधार किसको देना है, किस समय देना है और किस लिए देना है ये शायद कोई भी नहीं जानता, केवल जनता के अलावा। तो जनता के लिए संघर्ष करिए, लड़ते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर संघर्ष करना है तो सोशल मीडिया नहीं बल्कि धरातल पर करिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश के लोकतंत्र में हमने संघर्ष केवल जमीन पर देखा है, सोशल मीडिया पर नहीं। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।